तक भी अमित शाह लगातार ये बात कह रहे हैं कि आप चर्चा करिए मरी के ऊपर, हम तैयार हैं। ठीक है, तो विपक्ष क्यों भाग रहा है? विपक्ष की गलती क्या है कि उसने अविश्वास प्रस्ताव लाके अपनी जिंदगी की सफर भूल कर दी है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अब वो भूल इसलिए कर दिया कि प्रधानमंत्री को संसद में आना होगा, और वो लगातार मणिपुर से लेके पश्चिम बंगाल से लेके राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश से लेके सबको धोएंगे। अच्छा, उसके पास विपक्ष के पास जवाब नहीं होगा। अरे कौन भोंक रहा है ये बदतमीज? इस विपक्ष का एंड यही होना है, इसी मुद्दे पे। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मेरी इसके बाद कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताइए, मणिपुर पर मोदी सरकार के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री या किसी मंत्री का कभी कोई 75 दिन में बयान आपने सुना? गुड क्वेश्चन। मैंने कोई बयान नहीं सुना। मैं रोज न्यूज देखता हूँ। 75 दिन में किसी का बयान सुना? मैंने कोई बयान नहीं सुना। सुना है, पर एक लगातार एक बात की जा रही है, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी जगह है। वाह मोदी जी, वाह वाह। आप ये बताइए, अगर ये वीडियो ना आता तो प्रधानमंत्री की चुप्पी टूटती? अभी तो ये पता नहीं चला वीडियो लीक कैसे हुआ है। अरे लीक की चिंता आप कर रहे हैं? ऐसे आपके चीफ, ये चीज होना चाहिए कि ये वीडियो कब बना था और ये इसको देर से क्यों? एक मिनट, चीफ मिनिस्टर खुद ऐसे कह रहे हैं कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं, आप वीडियो लीक होने का सवाल बता रहे हैं? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, बता रहे। तो इसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि उसके लिए जिम्मेदार वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। अब आए ना लाइन पे, और सरकार को चीफ मिनिस्टर को भी डिसमिस कर देना चाहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी तो चीफ मिनिस्टर गृहमंत्री से मिलने आए थे, चाय पीने आए थे। यहाँ आए थे इम्फाल, चाय पीने आए थे। यही सरकार की गलती है ना, उन्होंने क्यों छोड़ा उसको? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इसी समय ऐसा है कि जिस मुद्दों पर आप सहज हो, सरल हो, तब आप बोलोगे, और नहीं तो फिर जहां फंसोगे वहां बोलने से बचोगे। और अगर चर्चा होगी तो अब जब मणिपुर की महिलाओं का वीडियो आ गया तो आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी, बंगाल, सही पकड़े हैं, बंगाल, बहराइच, सबकी चर्चा करोगे? मैंने ये चर्चा नहीं करी है, मैं कह रहा हूँ कि मणिपुर के सीएम को भी बर्खास्त कर देना चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो? अब आए आप रस्ते हूँ मैं, क्योंकि इसमें कोई नहीं होना चाहिए कि हाँ साहब कि हमारा है, सरकार का है, तो हम उसको छोड़ देंगे। नहीं, अब क्योंकि पिक्चर खुलनी चाहिए कि ये रीजन क्या हुआ, क्यों सरकार ने मणिपुर के सीएम को बर्खास्त नहीं किया। साले तू क्या सर, ये भी चर्चा माना चाहिए विषय, प्रधानमंत्री जब आए तो ये रीजन दें कि हमने इस वजह से उनको बर्खास्त नहीं किया है। राइट और रॉन्ग? चलिए आपकी बात अब जाके हमको समझ में आई, शुरू तो दूसरे गियर में किए थे आप। ये पहले ही था वही, अब दूसरा गियर मैं लगाता हूँ मीडिया के लिए। लगता है तुम गु खा के ही मानोगे। मैं रोज न्यूज देखता हूँ। तो क्या नाचोगे? हैदर सीमा हैदर, क्या मतलब हो गया, कहाँ सरकार डूब गई, खत्म करो इस मैटर को। और या तो मीडिया सिर्फ अपना टाइम या अपना मजा लेने के लिए इसको चला रहा है। लगा 150 रुपया देगा सरकार से सवाल पूछना? अरे सुनिए त्यागी जी, सरकार से सवाल पूछना मीडिया का काम है, सीमा हैदर में सवाल पूछने से बच जाते हैं। तो अब दूसरी बात यह है सुनिए, यही है एकदम क्लियर कि मैं न्यूज पे रोज सीमा हैदर को क्यों देखना चाहूंगा। आप मीडिया उस चैनल उस चीज को दिखा के रो, ऐड कर दो ना। अरे देखिए चश्मा न फूट जाए भाई, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भाई बीपी हो गई, अरे बीपी सही रखिए, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।